Assalamualaikum, मैं हूँ बतूल। कैसे आप सब लोग मेरे YouTube फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर से रमजान स्पेशल की बहुत ही मजे की स्पाइसी चिकन बोडी समोसा की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप स्क्वेयर्स भी कह सकते हैं और वन बाइट समोसा भी कह सकते हैं। बहुत ही मजे के स्पाइसी चिकन बोडी स्क्वेयर्स आज रेडी होंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए चिकन बोटी, मैंने फिलेट ली थी दो और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। फिर आप 250 ग्राम चिकन ले लें क्यूब्स में। पीसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च क्रश, ब्लैक पेपर लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटा धनिया क्रश, कोरिएंडर लेंगे 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा क्रश, क्यूमिन लेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक सॉल्ट लेंगे 2 टीस्पून, चॉप ग्रीन चिलीज, चॉप हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, लेमन जूस लेंगे 2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। डो के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर 2 कप्स, और घी बटर ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बोल लेंगे, उसमें मैं चिकन की बोटियां जो मैंने की थी 250 ग्राम मैं वो डालूँ, या फिर आप 2 चिकन फिलेट्स ले लें। के बाद मैं डालूंगी नमक, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ा धनिया डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, पीसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप्ड, लेमन जूस डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए जी, मिक्स हो गया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। डो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर 2 कप, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, घी बटर ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसी तरीके से मिक्स करना है जब तक इसके क्रम्बल्स ना बन जाए। देखिए जी, क्रम्बल्स बनना स्टार्ट हो गया है। मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाएंगे, इसको गूंदते जाना है आपने। अच्छी से आपने डो फॉर्म करनी है इसकी। देखिए जी, डो रेडी है ऑलमोस्ट। अच्छी तरीके से आपने इसको गूंदना है। सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी। अब डो को रेस्ट देंगे 20 मिनट्स के लिए। देखिए जी, 20 मिनट्स हो गए, डो हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब मैं इसको हाफ कट कर रही हूँ। इसका पेड़ा बनाएंगे। मैदा रेस्ट करेंगे और इसको आपने बेलना स्टार्ट करना है। बिल्कुल रोटी की तरह आपने इसे बेलना है, बड़ा सा। देखिए जी, बेल गया है। अब मैं इसकी जितनी भी साइड्स हैं, चारों साइड्स, चारों कॉर्नर्स में इसको कट कर रही हूँ, यानी इसको मैं रेक्टेंगल शेप में ला रही हूँ। आपने भी इतना ही बेलना है कि रेक्टेंगल शेप में आए। ये देखें जी, चारों साइड्स से कट हो गई हैं। इसके जो है आपने स्ट्रिप्स बना लेना है, जितना आपकी बोटी का साइज है उस हिसाब से आपने स्ट्रिप्स बना लेना है। अच्छा जी, अब एक स्ट्रिप लेंगे, उसमें बोटी रखेंगे। देखें जी, इस तरीके से बोटी रखेंगे और इसको रोल करते जाना है आपने। छोटा सा 1 बाइट आपने बनाना है। देखें जी, इस तरीके से आपने रोल करते जाना है। डो आपकी हार्ड होनी चाहिए। अब आपने इसको एक स्टिक की मदद से आपने इसको स्टिक कर देना है। देखिए जी, ये रेडी है। इसी तरीके से आप इस तरह 1 बाइट भी कर सकते हैं और इसको आप 3 भी एक स्टिक में लगा सकते हैं, बड़ी वाली स्टिक में। तीनों को मैं एक स्टिक में लगा रही हूँ। तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं और आप 1 स्टिक टूथपिक में भी सर्व कर सकते हैं। तरीके से सारी रेडी कर लेंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। देखिए, मैं इसको डाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप डालते जाएंगे। अब मैं छोटे वाले भी डालूंगी। इसको फ्राई करेंगे हम गोल्डन होने तक। बहुत ही मजे की रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और रमजान की बहुत स्पेशल रेसिपी है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप रमजान में रेडी कर सकते हैं। ईद में आप मेहमानों के आगे इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, गोल्डन कलर आ गया, आप देख सकते हैं फ्राई हो गए हैं। इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। बहुत ही मजे की रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा अपने इफ्तार में और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। स्पाइसी चिकन बोटी समोसा स्क्वेयर्स की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड, साइनिंग आउट। रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।